प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 12वीं जमात की पुस्तक पंजाबी लाजमी दे विच्चों कहानी करन जा रहे हाँ। कहानी जिसका नाम नीली गां ते उसका कहानीकार करतार सिंह दुग्गल। करतार सिंह दुग्गल वो कहानीकार ने जिन्होंने मनुखां दे ही नहीं सगों पशुआं दे मनोभाव ते उन्हां दी दुख तकलीफ का वर्णन किया है। मनुख अपने दुखां दा वर्णन बोल के हस के रो के कर दिंदा है, पर पशु अपने मनोभाव नहीं दस पाते, ना वो बोल सकते ने ते ना ही हस सकते ने। जेकर मनुखी इंसान जां माँ दे बच्चे नू कोई सट लगती है तो माँ नू भी उस सट दा एहसास हुंदा है, उस सट दी तकलीफ हुंदी है। इस कहानी दे विच नीली गां जो अपना बच्चा गवा बैठती है, पर गवाला जो इंसान है उस दे दुख नू नहीं समझदा, उसकी आर्थिक स्थिति दे तौर ते वो उस दे दुख नू नहीं समझ पाता ते उस दे नाल माड़ा सलूक करता है। पर कहानीकार इत्थे सानू ये दसदे ने कि इंसानां दी तरह पशुआं दे विच वी एहसास, प्यार, दुख, तकलीफ समाए हुए हुंदे हन। इस कहानी दे विच पात्र ने लेखक, लेखक दी पत्नी नीली, वच्छी ते गवाला। ये कहानी नीली दे मनोभावां नू उगाड़दी है। गवाला उसनू केवल दुध देन दा साधन समझदा है, जबकि नीली एक माँ भी है। वच्छी दे मरण ते उस दी ममता वलुंदर दी जांदी है। गवाला उस दे इस दुख नू समझन तो असमर्थ रहिंदा है। कहानी तुसी पढ़ ली होवेगी सारी। हुण इस कहानी नू लिखण दा जो ढंग है उस दे बारे मैं तुहानू दसांगी। कहानी नू तुसी कदे भी सीधे तौर सीधा नहीं लिख देना। कहानी नू पेश करन दा जो असल ढंग है वो ये है। तुसी नोट्स ले लो, अपने बना लो, तो ये सारे हैडिंग्स जिहड़े ने ये तुसी नोट कर लेने ने, तो कहानी नू तुसी इदां ही लड़ी दे अनुसार पॉइंट्स लिख के तुसी अगे उहनू एक्सप्लेन करदे जाणा आ, अगे उहदी व्याख्या करदे जायो। कहानीकार दी पत्नी दा नीली नू गवाले दीआं गावां दे विच्चों पसंद करना पसंद करदी है। नीली दा कहानीकार दे घर आउणा ते नीली जिहड़ी है वो गवाले दे नाल घर आउंदी है, ते जिहड़ा गवाला है उहदा दुध चो के ते नीली दोनों चले जांदे ने। नीली दा अपनी वच्छी दे नाल कहानीकार दे घर आउणा, नीली दे जिहड़ा आ वच्छी हुंदी है ते वह दोनों जिहड़ियां ने कहानीकार दे घर आउंदियां ने। गवाले दा वच्छी नूं दुध ना देना, आर्थिक तंगी दे करके गवाला जिहड़ा आ वह नीली नूं दुध नहीं, नीली दी वच्छी नूं दुध नहीं देंदा, ते उन्हों ये हुंदा कि जिहड़ा दुध जिहड़ा आ मैं लोगों नूं दे देवां ते अपनी जिहड़ी आर्थिक स्थिति जिहड़ी है उहदे च सुधार कर लवां, ते इस करके वच्छी नूं दुध नहीं देंदा। वच्छी जिहड़ी वह माड़ी हो जाती है ते नीली दी वच्छी जिहड़ी है वह मर जाती है। नीली दी वच्छी दा मर जाना, ते कहानीकार दी पत्नी भी गवाले नूं बहुत बोलती है कि तू उहनूं दुध नहीं देंदा सीगा, ते इस करके जिहड़ी वच्छी माड़ी हो गई ते वह मर गई। नीली दा वच्छी दे बिना घर आउणा, हुण इक माँ दा बच्चा चाहे वह मनुखी इंसान का होवे चाहे वह पशु का होवे, ते उस माँ नूं दुख जिहड़ा आ तकलीफ जिहड़ी है हुंदी है अपने बच्चे तो मरण दे पिछों। नीली दा वच्छी दे बिना घर आउणा ते नीली दी मनो अवस्था की है कि नीली जिहड़ी है गवाले नूं इह हुंदा है कि इह चारा खावे ते दुध दवे ते उहदी आर्थिक जिहड़ी उह स्थिति जिहड़ी उह चंगी हो जाए, पर नीली जिहड़ी है उह तकलीफ दे विच हुंदी है ते इस करके दुध नहीं देंदी, इस करके वह दुध नहीं देंदी। गवाला जिहड़ा उन्हूं बहुत प्यार करता है, उन्हूं चारा भी देंदा है, उन्हूं मसाला भी देंदा है खाण नूं कि किसी बहाने जिहड़ा आ इह दुध दे दवे, पर एक बच्चे दे मरण तो बाद जिहड़ी माँ दी जो अवस्था हुंदी है उस अवस्था नूं जिहड़ा आ मनोभाव नूं जिहड़ा आ गवाला नहीं समझ पाउंदा, ते उह जिहड़ा आ उन्हूं चारा खवाउण दी जिहड़ा आ उह हिम्मत करदा, मेहनत करदा कि किसी तरह खा लवे, अलग अलग मसाला चारा देंदा सी तां कि वह खा लवे, ते आर्थिक स्थिति दे करके गवाला वच्छी नूं उहदी वच्छी नूं दुध नहीं देंदा सीगा, जिस करके जिहड़ा आ उह माड़ी हो जांदी है ते मर जांदी है। अगे है तीजे दिन नीली दा कहानीकार दे घर आउणा। नीली उसे तरह ही हजे भी उदास है,
अपने बच्चे का जान का उन्हें दुख होंदा तो उदा ही मूँह लमकई जिहड़ा आ कहानीकार दे घर आउंदी है। अगे है गवाले दी नीली प्रति बेरुखी। गवाला जिहड़ा अगे गल की हुई है कि गवाले नूं हुंदा है कि मैं जिहड़ा ज़्यादा मैनूं दुध मिल जाए तो वह की करदा उन्हें चारा खवांदा है पर वह नहीं खाती। गवाला उन्हों गुस्सा आ जाता है तो गवाला जिहड़ा आ उहदे अग्गों जिहड़ा मसाले वाली चारे वाली जिहड़ी टोकरी हुंदी है तो वह उहदे कोलों चुक के लै जाता है। तो उस समय नीली की भावुकता की है, आखिरी पॉइंट है नीली की भावुकता। तो नीली उहदे जिहड़े मन दे भाव जिहड़े ने कहानीकार ने लिखे ने कि नीली कह रही है कि मेरा जिहड़ा बच्चा आ उन्हों हजे गए नूं थोड़ा समा ही होया तो मैं दुध जरूर देवांगी पर मेरे मन दे विच हजे अपने बच्चे दी याद जिहड़ी है हजे मैनू सता रही है। नीली कह रही है कि मैं उसनूं भुलांगी नहीं, मैं नहीं कहती कि मैं उसनूं भुलांगी नहीं, मैं उसनूं भुल भी जावांगी। मैं नहीं कहती मैं हमेशा दुध नहीं देवांगी, मैं दुध देवांगी पर कुछ चिर होर तू सबर कर लै, खबरे एक दिन ही होर ते फिर मैं अपने दिल दे टुकड़े नूं भुल जावांगी। अग्गे पिछे मैनू ये हनेरा हनेरा नहीं महसूस होवेगा ते फिर मसाला खांदी अपने ध्यान मैं दुध लह दिया करांगी। मैं हुण दुध नूं की करना है, दुध पीण वाली ते मेरी तुर गई, तू मुड़ आ इंज मैनू भुखा ना मार, अगे थोड़ा मेरे नाल अन्या होया है, तू मुड़ आ मेरे मालक। ये चीज़ जिहड़ी गवाले नूं कह रही है। तो एक कहानीकार ने पशु दे जिहड़े भाव जिहड़े सी इस कहानी दे राही जिहड़ा आ व्यक्त कीते ने ते इस कहानी दे विच पेश करन दी कोशिश कीती है। इस तरह तुसी इस कहानी नूं पढ़ना है ते कहानी नूं पढ़न तो बाद जो तुसी कहानी लिखना है तो तुसी इदां ही पॉइंट्स दे विच कहानी नूं अग्गे तो अगे जिहड़ा आ इहदी व्याख्या करदे जाणा है ते लड़ी दे अनुसार कहानी नूं अगे तोड़दे रहना है। धन्यवाद।